सुप्रभात, आपको महायज्ञ का पुरस्कार पौराणिक कहानी कैसी लगी? इस पाठ से आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सभी सुख प्राप्त करने के लिए, अपने कर्मों की शुद्धि करने के लिए हमको क्या अपनाना चाहिए? हमें मानवोचित व्यवहार करना चाहिए, यानी दूसरों की सेवा, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा जो होती है वही सर्वश्रेष्ठ होती है ना? तो अब इसके हम क्या करेंगे, पुस्तक अभ्यास, आप पृष्ठ संख्या निकाल लीजिए 24। यहाँ हम प्रश्न करेंगे, सोचिए और बताइए प्रश्न। यदि आपने धनी सेठ से कुछ सहायता ली होती तो उसके बुरे दिनों में आप क्या करते? हम क्या करते? हम सेठ सेठ के बुरे दिनों में उनकी मदद करते या सहायता करते? कुंज में सेठ के साथ क्या घटना घटी? अपने शब्दों में बताना है तो ठीक है, इसका उत्तर हम बड़े उसमें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें बताने के लिए कहा गया है। कुंज में जब वह विश्राम करने लगे तो उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया जो कि भूखा था, उसका पेट कमर के साथ चिपका हुआ था, है ना? और वे लग रहा था कि उसमें दुर्बलता इतनी है कि वह चल भी नहीं सकता। उन्होंने उसे रोटी खिलाकर क्या किया, उसकी मदद की, यानी उसकी शुद्धा की पूर्ति की। ठीक है, ग महायज्ञ क्या था, उसने उसे किसने किया? महायज्ञ क्या था कि उस सेठ ने उस भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई, वही उनका महायज्ञ था। और किसने किया? सेठ ने किया था। ठीक है, लिखित प्रश्न एक, किसने किससे कहा, सही उत्तर पे सही का निशान लगाइए। क न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो, किसने कहा? सेठानी ने सेठ से, सेठ ने सेठानी से, संगी साथियों ने सेठ से। कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ, पहला वाला, सेठानी ने बोला था ना। ख नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे। नहीं तो नहीं, किसने बोला था? धन्ना सेठ ने सेठ से बोला था, या सेठ ने सेठानी से बोला था, या धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ से कहा था? किसने कहा था? धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ से कहा था। प्रश्न दो, संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प में सही का निशान लगाइए। अब यहाँ संकेत दिया गया है, सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से काली कही थी, आटा लाई और उसने क्या बनाई थी, रोटियां। उसके आगे वह खालिस्तान में पूरा पैराग्राफ आएगा, पड़ा छटपटा रहा तक, पृष्ठ संख्या है पेज नंबर 20 और 21। क सेठानी ने रास्ते के लिए कितनी रोटियां बांधी थी, 4, 1 या 2? 4 बांधी थी ना, एक एक करके लास्ट वाली चौथी भी उसको खिला दी थी, किसको? कुत्ते को। ख सेठ जी कहाँ जा रहे थे, दूसरे देश, अपने गांव या कुंदनपुर? कुंदनपुर सही का निशान है। ख सेठ जी कहाँ जा रहे थे, दूसरे देश, अपने गांव या कुंदनपुर? तीनों विकल्पों में से अंतिम विकल्प सही है, कुंदनपुर जा रहे थे धन्ना सेठ के पास। ग
कोई हाथ भर की दूरी पर शिव जी ने किसे देखा था? वृक्ष को देखा था या कुत्ते को या हीरे जवाहरात को? कुत्ते को देखा था ना, जब वो खाना खाने बैठे तब वहाँ पे कुत्ता छटपटा रहा था। तीसरा, अति लघु उत्तर लिखिए। अति लघु उत्तर में हम यहाँ शॉर्ट में करेंगे, ठीक है? यानी एक शब्द में या एक पंक्ति में उत्तर लिखा जाता है। तो धनी सेठ कैसे व्यक्ति थे? धार्मिक व्यक्ति थे ना, धर्मपरायण और दानवीर व्यक्ति। प्रश्न तीन, अति लघु उत्तर लिखिए। धनी सेठ कैसे व्यक्ति थे? धनी सेठ धर्मपरायण यानी धार्मिक और दानवीर व्यक्ति थे, ठीक है? धनी सेठ के दिन फेरने का क्या परिणाम हुआ? उन्हें क्या हुआ? गरीबी का मुंह देखना पड़ा। और संगी साथियों ने मोह मोड़ लिया था। प्रश्न दो, पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़कर बताइए कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग हुए हैं? क, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। यहाँ पे पूछा गया है किनके लिए आया? उनके शब्द, ये सर्वनाम शब्द सेठ जी के लिए आया है। ख, उनकी सेठानी को कोई देवी शक्ति प्राप्त है। उनकी किसकी? धन्ना सेठ की पत्नी के लिए कहा गया था। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? उनकी, ये धन्ना सेठ के लिए आया है। द, एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें ताकत आ जाएगी, किसके लिए कहा था? कुत्ते को खिलाई थी ना, तो ये कुत्ते के लिए सर्वनाम शब्द लिखा गया है। घ, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं? आप, यहाँ किसके लिए आया? धन्ना सेठ की पत्नी के लिए। नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, आपने किसके लिए आया है? सेठ के लिए आया है। अगला है प्रश्न तीन। प्रश्न तीन है, निम्नलिखित मुहावरों का उनके अर्थ से मिलान कीजिए। फूले न समाना मुहावरा दिया गया, अर्थ से मिलान करेंगे। अत्यधिक प्रसन्न होना, लट्टू होना, मोहित होना, आंखें नीची होना, कोई गलत काम करते हैं तो आंखें नीची होती है यानी लज्जित होना, फूट फूट कर रोना यानी बहुत रोना। प्रश्न चार, यहाँ पे नए शब्द सीखेंगे हम। निम्नलिखित शब्दों का एक शब्द परिवार बनाएं। धर्म से धार्मिक बना, धर्म परायण बना, धर्मात्मा बना, धर्म युद्ध बना। अब यहाँ दिया गया है कर्तव्य।
पहला होता है कर्तव्य निष्ठ, हमने हमें अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए। कर्तव्य परायण होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कर्तव्यहीन, यज्ञ कुंड, यज्ञ वेदी होती है ना, यज्ञ कुंड भी कहलाता है। सती देवी यज्ञ कुंड में समा गई थी। यज्ञ कर्म, यज्ञ में बैठकर हम संकल्प करते हैं, उसे कहते हैं यज्ञ संकल्प। न्याय, अगला है न्याय। न्याय प्रिय, राजा न्यायप्रिय राजा होते हैं ना। न्यायपालिका, सुंदर सुंदर लिखावट में सभी शब्द लिखे हैं। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न 5, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्दों से वर्ग पहेली शुरू करें। वर्ग पहेली होती है आपको शुरू का शब्द दिया गया उस आधार पर आपको किया जाए, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। पहला है मशहूर, मशहूर होना यानी प्रसिद्ध होना। दूसरा है आराम, ऊपर से नीचे दिया गया यहाँ पहला शब्द और पहला वर्ण दूसरा दे रखा है, क्या होगा विश्राम। बाएं से दाएं पहला है रीति, रीति यानी प्रथा। दूसरा है बेचना, बेचना यानी विक्रय करना, क्रय विक्रय हमने सुना है बेचना। तीसरा व्यंग्य यानी मजाक। चेतना, हम कहते हैं उसने चेतना यानी होश में आया। पांचवा गरीब यानी दरिद्र। पाठ में प्रयोग शब्दों की वर्तनी के पुराने और नए शब्द, पुराना रूप नया रूप। पुराना रूप होता है जो कि अब मानक नहीं माना जाता, मानक रूप से नया रूप लिखा जाता है। किसी भी आप पाठ को पढ़ेंगे, किसी भी कहानी को पढ़ेंगे, किसी अखबार में भी पढ़ेंगे तो आपको यही मानक रूप दिखाया जाएगा, उसे कहते हैं हिंदी व्याकरण का मानक वर्तनी रूप। पुराना रूप है आद्यों का, ये द्य लिखा जाता था पहले ऐसे। नया रूप है ऐसे लिखते हैं आद्यों पान। द्वार, द्वार। पुराना रूप है कर्तव्य, नया कर्तव्य। विपत्ति, अब ऐसे लिखा जाता है विपत्ति। इस तरह से पाठ में प्रयुक्त अन्य भाषाओं के कुछ शब्द। अफवाह, उड़ाई गई खबर। फर्श, धरातल, जमीन। इन शब्दों से स्वरचित वाक्य बनाइए। धन्यवाद।